हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओनियन पुलाव। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाँ, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना, जिससे आपको न्यू न्यू वीडियो मिलती रहे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। चार पांच प्याज को मीडियम साइज़ में काट लिया है, दो चार हरी मिर्ची हैं और यहाँ मूँगफली, यहाँ पे जीरा और सौंफ लिया है थोड़ा सा, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये हमने मसाला लिया है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर लेंगे। ओनियन पुलाव में हम मूंगफली डालेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा ओनियन पुलाव। मूंगफली फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम जीरा और सौंफ डालेंगे थोड़ा सा। अब मिर्ची डालेंगे। ओनियन को हम हल्के ही फ्राई करेंगे, जिससे हमारा ओनियन पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। हम इसको थोड़ा ही फ्राई करेंगे, कलर चेंज नहीं होने देंगे और लो फ्लेम में 2 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज हो गई है फ्राई। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पर हमने 1 चम्मच धना लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी एंड सब्जी मसाला। अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से, देखिए इस तरह से। चावल को अब इसमें हम डाल देंगे, ये देख। अब हम इसको मिलाएंगे, देखिए इस तरह मिलाएंगे इसको अच्छे से। इसको मिलाते हुए जो हमने मूंगफली फ्राई किया था वो इसमें अब हम मिक्स करेंगे, ऐसे मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो गया है। बस 5 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा ओनियन पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।